नमस्कार दोस्तों, राघव सर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। देखिए, आज हम लोग भूगोल के लिए जो दूसरी श्रृंखला लेकर आए हुए हैं, इसमें जो है आज हम TET, RRB और UPSI और UPP के लिए बात करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है इन सब एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है, इसका राइट आंसर है। और ये रेखा से जो है तिथि का निर्धारण किया जाता है। इसके पूर्व और पश्चिम में अलग अलग जो देश पड़ते हैं उनमें तिथियां जो है अलग अलग होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाद्वीपों की संख्या कितनी है। देखिएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि महाद्वीपों की संख्या जो है 7 है, जिनमें सबसे बड़ा जो है एशिया है नंबर 1 पे, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पर उत्तरी अमेरिका, चौथे पे दक्षिणी अमेरिका, पांचवें पे अंटार्कटिका, छठवें पर यूरोप और सातवें पे ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा राइट आंसर है 7, सबसे बड़ा उसमें से एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, चमकीला ग्रह किसे कहते हैं। देखिएगा, चमकीला ग्रह, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको कि चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा और चमकीला ग्रह। शुक्र ग्रह की खासियत और है कि शुक्र ग्रह जो है अरुण ग्रह की तरह पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, अर्थात शुक्र की परिक्रमा करने की जो दिशा है अन्य ग्रहों के विपरीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल ग्रह किसे कहते हैं। देखिए, जो लाल ग्रह है उसे मंगल कहा जाता है, लाल ग्रह, क्योंकि इस पे जो है आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, इस कारण से इसे लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप जैसा कि जानते हैं 31 अक्टूबर 2019 से राज्यों की संख्या में परिवर्तन किया गया है। अब फिर से भारत में राजमीर को अब दो भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। तो लेह लद्दाख और कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेश भारत में निर्मित हुए थे। हमारा राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है। तो आप जानते हैं पहले 7 थे, अब कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश जुड़ गए, इसे वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की सीमा स्थल भारत को स्पर्श नहीं करती है। तो देखिएगा, जैसा कि हमारे पड़ोसी देश हैं उनमें जो इनकी स्थलीय सीमा स्पर्श करती है, आप जानते हैं कि बांग्लादेश की भी सीमा रेखा स्पर्श करती है, चीन की करती है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, इनकी स्पर्श करती है। जबकि इसमें देखें, अगर ऑप्शन को ध्यान में देखा जाए तो सी हमारा जो है राइट आंसर। देखिए, मालदीव के साथ एक और फैक्ट है जो हमको जानना चाहिए कि जो मालदीव है से भारत है, तो मालदीव जो है ये यहाँ पे स्थित है। देखिएगा, मालदीव यहाँ पे स्थित है और यहाँ से इसके बीच जो है 8 डिग्री रेखा है, 8 डिग्री जो कि लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करती है। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्रह शनि से बड़ा है। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे बड़े ग्रहों में आप जानते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद दूसरे नंबर पे शनि आता है, तो शनि से बड़ा ग्रह बृहस्पति। हालांकि अगर पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी आकार में जो है 5वां बड़ा ग्रह है। और सबसे बड़े ग्रह को क्रम को अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, वरुण के बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, फिर मंगल और लास्ट में बुध है। तो सबसे बड़ा ग्रह जहाँ बृहस्पति है वही सबसे छोटा ग्रह बुध है। इस ऑप्शन
क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो राइट आंसर है वो बृहस्पति है, बृहस्पति ग्रह शनि से बड़ा ग्रह। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी किन दो ग्रहों के मध्य स्थित है? तो जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी जो है, अगर हम ग्रहों को देखते हैं तो पृथ्वी बुध शुक्र, पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि, अरुण वरुण ऐसे ग्रह हैं। तो ये देखिए पृथ्वी ये है हमारा, इसके बगल में शुक्र है, इसके इधर मंगल है। तो हम देख रहे हैं कि पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल के बीच स्थित है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए मुझे आशा है कि आप लोग को ये हमारा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। देखिएगा तो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रेफाइट किसका रूपांतरण है। देखिएगा चट्टान में हमने बताया है आपको कि जो अवसादी चट्टान होती है उसमें कोयला पाया जाता है, और ये जो है अवसादों से बना है, और जब इसका रूपांतरण जब रूपांतरित किया जाता है तो कोयले से ही ग्रेफाइट बनती है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोयला। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। आप जानते हैं सात महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, और उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा ग्रह उपग्रह ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, दिन और रात की अवधि बराबर होती है। जैसा कि हम जानते हैं 23 सितंबर और 21 मार्च को सूर्य किरणें जो है लंबवत भूमध्य रेखा पड़ती हैं, इस कारण 23 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे जनसंख्या सबसे अधिक है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि भारत जो है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। तुम्हारा राइट आंसर है बी। नेक्स्ट, भारत की दक्षिणी अक्षांशीय विस्तार है। देखिएगा जो भारत का दक्षिण अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी है। तो देखिएगा ये उत्तरी होना चाहिए यहाँ पे लिखा, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, ये हमारा राइट आंसर है। इसका देखिएगा हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं आपको दिखाने की। देखिए अगर ये भारत है, भारत, तो आप देखेंगे ध्यान से इसमें देखिएगा कि यहाँ यहाँ से एक रेखा जाती है 8 डिग्री 4 मिनट, ये यहाँ से रेखा गुजरेगी, इसी का मान होता है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। तो भारत की जो मानक समय रेखा है वास्तव में वो वर्तमान में इसे इलाहाबाद के नैनी से गुजरते हुए माना जाता है। इलाहाबाद के नैनी से, भारत की जो मानक समय रेखा गुजरती है वो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। कुछ समय पहले इसको मिर्ज़ापुर से गुजरते हुए माना जाता था, लेकिन देखिए दोस्तों जो भारत की मानक समय रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। आप जैसा कि देख सकते हैं ये 5 राज्य हैं आपके, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से आपकी मानक समय रेखा जो भारत की है वो गुजरती है। देखिए थोड़ा सा मध्य प्रदेश भी यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, आप ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। और ये हमारे जो इलाहाबाद है यहाँ पे इलाहाबाद के समीप नैनी से गुजरती है, ये 82.5 डिग्री देखिए भारत के 5 राज्यों से गुजर रही है। देखिए 5 राज्य कौन कौन से हैं आप देखिएगा, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ओके, वर्तमान में इसे नैनी से गुजरते हुए माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह का रंग कैसा है? तो जैसा हम जानते हैं कि शनि ग्रह का रंग काला है। देखिएगा अगर हम देखें पृथ्वी, पृथ्वी का रंग नीला है, मंगल का लाल है,
शुक्र का चमकीला है, बृहस्पति का पीला है, शनि का काला है, अरुण वरुण का हरा। तुम्हारा राइट आंसर है शनि ग्रह का रंग काला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की संख्या कितनी है? ग्रहों की संख्या वर्तमान में अब 8 है। पहले ग्रहों की संख्या 9 मानी जाती थी, लेकिन आप जानते हैं कि 24 अगस्त 2006 को प्लूटो ग्रह को, यानी कि जो आपका यम ग्रह था, उसको ग्रहों की सूची से हटा दिया, क्योंकि यह ग्रहों की परिभाषा पूरी नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के ऊपर उपग्रहों की संख्या कितनी है? अर्थात इसमें क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी कितने चंद्रमा हैं, इससे यह भी आशय निकाल सकते हैं हम। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी ग्रहों की संख्या 1 है, पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो है चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी से 384,263 किलोमीटर दूर है। इसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में इसमें 3 सेकंड का समय भी लगता है। ठीक है, चंद्रमा के बारे में कई क्वेश्चन हैं जो हम आपको अगले